समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी और पूर्व विधायक मशहूद खान के लिए प्रचार करने पहुंचे, तो जनसभा में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हीं के उम्मीदवार के गले की फांस बन गया। अखिलेश ने हजारों लोगों के सामने मंच से कहा, कुछ मजबूरियां रहीं जो हमें अपने पूर्व विधायक को तुलसीपुर से लड़ाना पड़ा। अखिलेश के इस बयान के बाद इलाके की राजनीति गर्मा गई। दरअसल मशहूद खान की लड़ाई जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी जेबा रिजवान से है, जो कि पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ही उम्मीदवार बताई जा रही थी और चुनाव से कुछ महीने पहले ही वो सपा में शामिल भी हो गई थी। लेकिन एक हत्याकांड ने सपा से उनकी उम्मीदवारी छीन ली। हुआ ये कि टिकट बंटवारे से ठीक पहले पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में जेबा रिजवान को जेल भेज दिया गया, जिसके बाद सपा ने जेबा रिजवान को टिकट नहीं दिया। अब माना ये जा रहा है कि यहाँ लड़ाई सपा बनाम सपा है। कहा जा रहा है कि जेबा जीतने के बाद सपा में शामिल हो जाएंगी और अगर मशहूद जीते तब भी जीत सपा की ही है। कुल मिलाकर एक ही सीट पर सपा के दो प्रत्याशी मैदान में कहे जा सकते हैं। वहीं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर, बेटी जेबा रिजवान, दामाद रमीज समेत कुल 9 लोग जेल में हैं। रिजवान जहीर और उनके परिवार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जबकि रिजवान जहीर को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। अखिलेश यादव ही रिजवान जहीर को अक्टूबर 2021 में फिर से सपा में लेकर आए थे, इससे पहले वो बसपा में थे। रिजवान जहीर की बात करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर की थी। 1985 में रिजवान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद सियासत में कदम रखा। 1989 में निर्दलीय, 1993 में समाजवादी पार्टी और 1996 में बसपा की तरफ से तुलसीपुर से विधायक बने। रिजवान 1998 और 1999 में सपा के टिकट पर बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा रिजवान की पत्नी हुमा रिजवान जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। हुमा ने अपने भाई सलमान जहीर और नौमान जहीर को 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया। रिजवान जहीर का राजनीतिक सितारा गर्दिश में उस वक्त आना शुरू हो गया जब उन्होंने 1999 के बाद मुलायम सिंह यादव को सीधा चैलेंज दे डाला और कहा कि रिजवान जहीर को किसी पार्टी की जरूरत नहीं, रिजवान जहीर खुद में पार्टी है। मुलायम सिंह यादव चाहें तो मेरे सामने चुनाव लड़कर देख ले, उन्हें भी हार ही हाथ लगेगी। अब ये संयोग ही था कि उसके बाद रिजवान जहीर ने एक भी चुनाव नहीं जीता। हालांकि अक्टूबर 2021 में अखिलेश यादव ने उन्हें फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने अपना खुद का राजनीतिक दल भी बनाया था। वहीं बात अगर पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान की करें तो जेबा रिजवान ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में परास्नातक की पढ़ाई की है। इससे पहले वो मुंबई में दिया बाती और हम नाम के एक सीरियल में स्क्रिप्ट राइटर का काम कर चुकी हैं। 2017 में जब रिजवान कांग्रेस में आए तो उन्होंने जेबा को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। हालांकि तुलसीपुर सीट गठबंधन के खाते में थी, फिर भी सपा का उम्मीदवार यहां से लड़ा। इस दौरान जेबा रिजवान को भाजपा नेता कैलाश नाथ शुक्ला से शिकस्त खानी पड़ी। पिछले विधानसभा चुनाव में जेबा रिजवान को 43,637 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर थी। इस बार भी जेबा रिजवान को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा था, हालांकि अंत में हालात बदल गए। बहरहाल माना यही जा रहा है कि इन चुनाव में जेबा का पलड़ा भारी है। ऐसे में अखिलेश ने दोनों रास्ते खोल दिए हैं। अब पोते की हत्या के बाद मैदान में कूदे दादा जीतेंगे या फिर हत्या की साजिशकर्ता की जीत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।